अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। तो गाड़ी जनाब जी गंदी है। गंदी क्यों है? हमारे साथ देखो, ये नो बोल फ्री हिट पे भी डॉट हो गया। नो बोल ये हुई है कि हमारी गाड़ी हुई सिलेक्ट नहीं, सिलेक्ट रिजेक्शन हो गई जी हमारी। पार्क व्हील्स ऑटो शो 2024 पे हमारी गाड़ी सिलेक्ट नहीं हो पाई, जो कि बड़ी दुख भरी दास्तान है। इतनी वीडियोज हमने बनाई, गाड़ी तैयार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गाड़ी सिलेक्ट हो नहीं पाई। तो अभी सैटरडे है, सैटरडे को व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है। सैटरडे हम जा रहे हैं जी वापस वर्कशॉप क्यों जा रहे हैं, स्कूंचा कराते हैं, कैम्बर आउट करवाते हैं। मैं भी शायद वापस स्टॉक शॉक्स पे ले आऊँ, लेकिन अभी कोई आता पता कोई नहीं है। अभी फिलहाल देखते हैं जाके। गाड़ी इसलिए भी गंदी खड़ी हुई है क्योंकि जब रिजेक्ट हुई थी उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया इस पर काम करने का। तो फिलहाल ये ऐसी खड़ी हुई है, अभी भी 3 से 4 दिन बाद मैंने स्टार्ट की गाड़ी। फिलहाल अभी जा रहे हैं हम जुल्फ़कार भाई के पास। जुल्फ़कार भाई को हमने कहा है जी हमारी गाड़ी कर दें आप ऊपर काइंडली, तो इसी ड्रॉप पे, इसी सिचुएशन पे गाड़ी लेके जाते हैं वर्कशॉप, और बाकी का फिर वर्कशॉप जाके बताता हूँ आपको मैं। गाड़ी माड़ी क्यों नहीं सिलेक्ट हुई, मे भी कोई कमी होगी पार्क व्हील्स के नज़र में, या उनकी कोई टीम जो भी है जो गाड़ी सिलेक्ट करती है उनकी नज़र में कोई कमी पेशी रह गई होगी। लेकिन हमारी तरफ से जो कमी पेशी जो थी हमने पूरी कर दी। तो बाकी अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं हुई, नेक्स्ट टाइम से ही देखी जाएगी। काफ़ी गाड़ियां सुनने में आ रही हैं, काफ़ी गाड़ियां कोई अच्छी हैं, किसी में एयर भी लगी हुई है, किसी के रिम भी अच्छे हैं, तो बड़ी गाड़ियां रिजेक्ट हुई हैं इस दफ़ा जी। सुनने में ये भी आता सीनियर से कि इस दफ़ा जो सिलेक्शन है उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट की हुई, उन्होंने जो इस वाली दफ़ा टीम है वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो पता कोई नहीं, हो सकता कोई कमी रह गई हो। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी थी कि जितना हो सके मेरे से उतना उसको ड्रॉप भी कर दूं, उतना उसको मैं चमका चमका भी लूं। तो जिस दिन हमारा व्लॉग आना था कंपाउंड वाला, उस दिन हमारी गाड़ी रात को रिजेक्ट हो गई थी, जो कि उन्होंने हमें बताया कि आपकी गाड़ी रिजेक्ट हो गई है। 1 minute 37 seconds late। तो जी गाड़ी फाइनली हमने बाहर निकाल ली है, गाड़ी फुल रगड़ते हुए जा रही है। जितनी देर हमने इसको लोक करके खड़ा कर दिया, गाड़ी जनाब जी कह रही है मैंने जान दो, ये ख्याल में तो कुछ 1.5 इंच और नीचे चली गई है। अब ये वर्कशॉप चढ़ाना बड़ा अजाब का काम बन जाना। ये भाई ने डिग्री ली है, माशाल्लाह से BBA में। अब हम जा रहे हैं जी जुल्फ़िकार के पास, बाकी आपको जुल्फ़िकार के पास पहुँच के हम बता देंगे ऊपर चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही। क्योंकि पीछे मैंने रख लिए शॉक्स इसके जो जेन्युइन थे, शॉक्स इसको रखना लाजमी थे, क्योंकि जी अगर आपको थोड़ी सी आवाज़ आती है चीपूंगी वो उसके कॉइल वजह में से आती है क्योंकि ड्रॉप है मैं। तो वो अभी उधर जा कर डिसीजन लेते हैं कि हमने जी गाड़ी को अपने वापस स्टॉक शॉक्स पे रखना है या फिर कॉइल ओवर्स पे ही गुजारा करना है हमने। ये देखें कोर पिछिंद आते हुए हमारा, ये देखें ये आशनादी गार्ड उन्होंने आ गया है अपना। और ये रगड़ते हुए हमारा स्क्रैप। और भाई इधर आ, जब भी रगड़े फिर वो बम्पर ही रगड़े हैं, बम्पर सारा बाहर आ चुका, उसको किसी तरह वापस फिट कराते हैं, इसके अंदर चला जाएगा ऐसे, या उधर फिट करा लेंगे जाके दोबारा, या पूरा होता था पूरा उतार ले क्योंकि ये वर्कशॉप जाके भी उतर जाएगा। फैन मोमेंट हो गया। गाड़ी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है जिसकी वजह से हमें कोई 5-10 की स्पीड पे जाना पड़ रहा, वरना जी बम्पर मारा हो जाएगा अल्लाह को प्यारा। इसलिए बहुत एहतियात से और खड्डे बचा के हम लेके जा रहे हैं। अब इतनी लो हो गई है, थोड़ा सा पाक भी वालों को रहम करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसी गाड़ी बनाएंगे कि वो मजबूर हो जाए बुलाने के लिए इंशाल्लाह ताला। तो अभी तो आधा रास्ता हुआ हमारा वर्कशॉप का, देखते हैं। जो सबसे मुश्किल गाड़ी है ना वर्कशॉप के पास आती है, कोई 10-12 खड्डे आते हैं वहाँ पे इसको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इसका क्या हाल होता। तो मैं अब उस वहाँ पे पहुँच के आपको मिलता हूँ। अब लो जी, 2 मरहले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक मरहला ये सामने आ गया, एक है जी वर्कशॉप वाला मरहला। वो ये लगा है नीचे यो मैन करके, क्योंकि भाई पीछे का आइडिया नहीं होता बम्पर निकला नहीं निकला, क्योंकि बम्पर हो गया बहुत एक्सटेंडेड किस्म का।
तो एक साइड से वो लटक भी चुका है, इसलिए वो ना थोड़ा मसला कर रहा, ज़्यादा लग रहा थोड़ा सा। तो लेट्स सी, अब ये ऊपर जो चढ़ानी है ना वो है थोड़ा मुश्किल काम, तो वो देखते हैं अब क्या बनता हमारा। मैं आपको मिलता हूँ। ज़रा चाबी रगड़े हैं, फ्रेम रगड़े हैं बंपर गेन आउट, वे फस गया। चल वैशी फिटमेंट, वैशी रुक जा, रुक जा। बंपर फिर फंस गया भाई, बंपर फिर फंस गया, बंपर फिर गया। चल ये बंपर यहाँ तो फंस चुका है हमारा, गुजार किट की वजह से फंस गया। तो जी वीर फाइनली इन, बहुत मुश्किल से, बहुत जिद्दोजहद के बाद, तीन चार जगह बम्पर और किट फंसने के बावजूद हम पहुंच गए फाइनली। तो जी हम वहां से हो गए यहां तक पहुंच चुके हैं, तो यहां से फिर निकल गया था और यहां से फंस गई थी, तीन चार दफ़ा फंस गए। तो अब इसका कोई हल निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि फिटमेंट बहुत वैसी है, इसकी वजह से वो अड़ जाता है। तो जी फाइनली पहुंच गए हम वर्कशॉप, अब इसको ऊपर करते हैं। ये भी बम्पर पहले फ़र्क था वो, और मजीद फ़र्क हो चुका है, ज़रा जाने शाने हो जाए फिर मैं मिलता हूँ आपको। तो जी पिछला बम्पर हो गया 7 अप, अब वो उसको रिपेयरिंग वाले को बुलाने के, वो कह रहे हैं 2 घंटे लगेंगे, अभी बिजी है, लेकिन अभी कोई जुगाड़ सोचते हैं इसका, उसको करा के लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसे बम्पर कहाँ जाएगा। गाड़ी ऊपर हो गई है, इधर से थोड़ी आपको नीचे लग रही है, क्योंकि फ्रंट राइट साइड से जैक पे लगी गाड़ी, वहाँ पे लगेगी फेंडर शील्ड्स दोनों साइड की वापस। तो जी वर्कशॉप से वापस आ गए थे हम, स्टॉक राइड वापस बैक टू स्टॉक लाइफस्टाइल। अभी भी नीचे ही है, दो उंगलियों का फ़र्क है, फ्रंट से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि फ्रंट पे लो प्रोफाइल टायर डले हुए हैं, फ्रंट पे भी वही वाली प्रोफाइल जो बैक पे वो आ जाएगी तो ऑल सेट हो जाएगा। तो बैक बम्पर मैं आपको दिखाऊं, बैक बम्पर इतना खस्ता हालत हो गया अब, तो वो नेक्स्ट टाइम चेंज ही मांगता है। यहाँ से भी प्रॉपर बैठ गया, यहाँ से तो इतना ज़्यादा निकला नहीं था, लेकिन जो यहाँ से निकला था ना वहाँ से हो गया पेंट ख़राब, ये और ये भी थोड़ा सा पेंट ख़राब हो गया, लेकिन कोई नहीं चलता, इतना पुराना बम्पर है। ये देखें, ये यहाँ से टूट गया, ये भी यहाँ से भी ये लगना नहीं था, क्योंकि यहाँ पे नक्का शक्का है कोई नहीं। फिलहाल गुजारे के लिए लगा लिया, ताकि गाड़ी की जो लुक है वो तो बरकरार रहे ना, वरना टूंडी लुक लगती है। तो इस व्लॉग में इतना ही था, गाड़ी ऊपर करानी थी और कैम्बर आउट सैम्बर आउट कराने थे सारे हमने, और फिर कल देखते हैं, अगर पार्कविल जाना हुआ हमने तो पार्कविल जाएँगे, उसका व्लॉग मिल जाएगा। तो यही व्लॉग मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, वही करता हूँ कि आपको पार्कविल्स जो प्रेपरेशन का सीरीज़ थी वो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी गाड़ी की जो डेड ड्रॉप लुक थी वो कैसी लगी। तो बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, भाई को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।